ओके सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है कि अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं तो आप अपने कॉलेज के एक्सपेंसेस और साथ ही साथ अपने पर्सनल एक्सपेंसेस किस तरह से पे कर सकते हो। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें कि एक्सपेंसेस पे करने का, तो आपको पता होगा कि लगभग लगभग इंडिया में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, यानी कि 99% ऐसे बच्चे हैं जो कि अपना एक्सपेंस खुद से पे नहीं करते हैं, अपने पेरेंट्स पे डिपेंड रहते हैं और अपने पेरेंट्स के पैसे पर ही अपना सारा का सारा एक्सपेंस करते हैं। एट द एज ऑफ 20 to 22 तक ये सब खुद करते हैं वो लोग। ठीक है, बट अगर आप उनमें से एक नहीं बनना चाहते हो, अपना कुछ खुद का करके दिखाना चाहते हो और खुद का कुछ भी खरीद के एक जो फील आता है ना वो अलग ही होता है, मतलब खुद का कुछ करने का अलग ही मज़ा है। ठीक है, तो अगर जैसे मेरा बात करें, ठीक है, तो मैं किस तरह से कमाता हूँ वो भी बताऊँगा, बट अगर मेरा बात करें तो अभी ये रूम देख सकते हो आप मेरे पीछे, है ना, तो ये रूम का जो रेंट है वो खुद मैं पे करता हूँ, उसके साथ जो मेरा कॉलेज का फ़ीस है, कॉलेज का ट्रैवलिंग कॉस्ट है, यूनिफॉर्म्स है, मतलब ए टू जेड बुक्स वगैरह जो भी हैं सब मैं ही खुद पे करता हूँ। ठीक है, उसके साथ साथ मेरे अदर एक्सपेंसेस भी हैं, जैसे मान लेते कहीं घूमने का जाने का मन किया या फिर कहीं पार्टी है उसके लिए ड्रेस खरीदना है, तो ये सब चीज़ जो है वो मैं खुद अभी अपने एक्सपेंसेस से खरीद लेता हूँ। ठीक है, तो अभी वो छोटा मोटा चीज़ के लिए मुझे सोचना नहीं पड़ता, छोटा मोटा चीज़ के लिए। ठीक है, तब भी फिर भी थोड़ा बहुत सोच के ही, सोच समझ के ही अपना एक्सपेंसेस करते हैं, क्योंकि अभी मेरे पास बहुत पैसा नहीं है, इनको इन्वेस्ट भी करना है और इसको मल्टीप्लाई भी करना है। तो हम यहाँ पर बात करेंगे कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप किस तरह से अपना एक्सपेंस को पे ऑफ कर सकते हैं। तो सबसे पहले ना हम ये तो जान लेते हैं कि आपका एक्सपेंस है कितना। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें एक नॉर्मल स्टूडेंट का जो कि अभी कॉलेज में या कॉलेज लाइफ में, तो वो किस तरह से अपना एक्सपेंस को पे करेगा। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि आपका जो एनुअल फ़ी है वो मान लेते हैं 2 लाख है, यानी कि पर सेमेस्टर 1 लाख का आपका आ रहा होगा। ठीक है, उसके साथ जो आपका फूड कॉस्ट है, जो फूड के एक्सपेंसेस है, जो खाना खाएंगे आप बाहर में रहते होंगे, है ना, तो वो 6000 पर मंथ करके आपका हो जा रहा है पूरा 12 मंथ का 72000। और उसके बाद आपका अदर एक्सपेंसेस रहेंगे, उसके साथ आपका एकोमोडेशन रहेगा, तो एकोमोडेशन यानी कि आप कोई पीजी वगैरह में रहते होगे ना, तो उसका अगर हम लोग चार्जेस मान लेते हैं 3000 पर मंथ का, तो वो आपका 36000 हो जा रहा है, और आपका अदर एक्सपेंसेस मान लेते हैं 50000 और ट्रैवलिंग कॉस्ट 50000। तो अगर ये सबको समराइज करें तो ये लगभग लगभग आपका 4 लाख के आसपास हो जा रहा है। ठीक है, 4,08,000 के अप्रॉक्स आपका ये आ रहा है। तो यहाँ पर ये आप हार्ट अटैक नहीं लेना है कि यार 4 लाख हम खुद से कहाँ लाएंगे एक साल में और खुद से किस तरह से पे ऑफ करेंगे, है ना। तो अगर हम लोग थोड़ा सा इसको डिवाइड करते हैं, यानी सिंपल करते हैं इसको, अगर हम बात करें 4 लाख का, तो 4 लाख आपको कितना दिन में कमाना है, 365 डेज में, यानी कि 12 महीने में। तो एक महीने में आपको कितने कमाना है, एक महीने में आपको लगभग लगभग 30000, यानी कि हाँ पूरा 30000 आपको कमाना है। ये थोड़ा ऊपर नीचे है, ये हुआ आपका एक मंथ में आपको 30000 के आसपास अप्रॉक्स आपको चाहिए होगा अगर आप खुद से पे ऑफ करना चाहते हैं तो। और इसको थोड़ा और समराइज करें तो हम लोग पता चलेगा कि एक दिन में आपको 1000 के अप्रॉक्स आपको चाहिए, यानी एक दिन में आपको 1000 कमाना ही है, तब जाके आप पूरे ईयर में आप 4 लाख के ऊपर अबव कमा सकते हो। ये तो था आपका कि आपका कितना एक्सपेंसेस होता है। ठीक है, बट अब हम लोग यहाँ बात करेंगे कि आप इस एक्सपेंसेस को किस तरह से पे कर सकते हो। तो ऐसा तो होगा नहीं कोई जादू कि हम कुछ बोल देंगे और उसके वजह से आपको एक जादू का छड़ी मिल जाएगा और वहाँ से आपको पैसा मिल जाएगा, तो ऐसा तो होने वाला नहीं है। तो उसके लिए आपको करना होगा कुछ काम। ठीक है, काम करना ही होगा। हाँ, मैं जो रास्ता बताऊंगा वो ऐसा काम रहेगा जो आप पहले से जानते हो और इसमें बहुत अच्छा खासा अर्निंग होगा, और उसके साथ साथ आप अगर उसको नया सीखना चाहते हो, कुछ दूसरा ट्राई करना चाहते हो, तो उसमें भी जो आपको 3 to 4 hours लगेगा और उसमें भी आप अच्छा खासा अर्निंग कर पाओगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर सीखना होगा स्किल्स। आपको पहला स्किल जो सीखना है वो सीखना है आपको टीचिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको टीचिंग को मास्टर करना है, यानी कि बाय द टीचिंग आप बहुत अच्छे खासे अर्निंग कर सकते हो। अगर मैं अपना बात करूँ तो मैं एक फिलो ट्यूटर हूँ, जो फिलो ऐप है एक, उसमें आप ऑनलाइन बच्चों को पढ़ा सकते हो। तो वहाँ पर जो पर हावर का जो शेड्यूल है उसके हिसाब से जो आपको पे ऑफ होता है वो बहुत अच्छा अमाउंट होता है। ठीक है, पर आवर का वहाँ पर आपको 110 रुपीज़ मिलता है फॉर 19th और आपको 140 मिलता है फॉर 11th 12th, और ये ऊपर नीचे भी होता है अगर आप कितने अच्छे से क्वालिटी दे पा रहे हो, कितने अच्छे से बच्चे को पढ़ा पा रहे हो। तो ठीक है, तो अगर मैं अपना अर्निंग शो करूँ तो आप मेरा 2 दिन का अर्निंग देख सकते हैं, एक दिन का 500 था, ये मतलब पिछले 2 दिन का, कल और परसों का। ठीक है, तो अगर मैं इस तरह से करता हूँ तो आप देख सकते हो कि एक दिन का 500 है, दूसरे दिन का 400 है।
और जिस दिन मैंने 500 किया था उस दिन आप देख सकते हो मेरा टाइमिंग, मैं इस ऐप में मात्र 5 आवर्स ही अप्रॉक्स दे पा रहा था। तो 5 आवर्स अभी ये थोड़ा सा ज़्यादा है मेरे लिए, क्योंकि मैं इसको पहले बहुत कम समय में करता था, क्योंकि जब मैं वेरीफाइड ट्यूटर था तो ये सब बहुत कम समय में होता था। अभी क्या है ना कि थोड़ा सा मेरा गैप हो जाता है, मैं अच्छे से टाइमिंग दे नहीं पाता हूँ, तो इसके वजह से ये थोड़ा सा ऐसा है अभी। और ये तो अभी मैंने एक छोटा सा आपको दिखाया कि ये इस तरह से अर्न कर सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ से आप अर्न कर सकते हो, जैसे फिलो है, उसके बाद चेक इंडिया है, सॉल्व लांसर है, और भी बहुत सारे हैं जहाँ से आप आराम से डाउट को सॉल्व करके आप पैसे अर्न कर सकते हो। और डाउट जो है बहुत ईजी आते हैं, जो कि 9th-10th के लेवल के होते हैं, वो आप ईजिली आप हैंडल कर सकते हो और संभाल सकते हो। तो अगर मेरा कुछ पास्ट मंथ का रिसेंट का विड्रॉवल्स देखेंगे तो कुछ इस तरह का अमाउंट मेरा विड्रॉवल्स हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद है नेक्स्ट, दूसरा स्किल। सेकेंड स्किल में आपका सारा स्किल कवर हो जाएगा। अपना एक एजेंसी खोल लो। एजेंसी क्या करता है? एजेंसी मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस देना है, कि आपके आसपास बहुत सारे स्मॉल बिजनेस होते हैं, उनको आप टारगेट करो, उनके लिए आप वेबसाइट बना दो, उनका SEO कर दो, उनका फेसबुक इंस्टाग्राम ऑप्टिमाइज कर दो, उनके लिए एड्स चलवा दो, वीडियो एडिटिंग या वीडियो प्रोडक्शन कर दो उनके लिए, ताकि वो ऐड चला पाएँ और अपने बिजनेस को ग्रोथ दे पाएँ। तो उसके लिए आप एक अपना अच्छा खासा एजेंसी कर सकते हो। अगर मेरा बात करें तो मैंने इससे अर्न किए हैं, बहुत सारे अर्न किए, जैसे अगर मेरा टेस्टिमोनियल्स देखोगे तो आप इन सबको देख सकते हो जिनका मैंने अभी तक बहुत काम किया है। और इनका जो अगर एक क्लाइंट का बात करें तो ये 2000 से लेके 4000 से ऊपर, मतलब उससे भी ऊपर गया, पर 2000-400 के अप्रॉक्स मेरा अंदर रहता है एक क्लाइंट से अर्निंग। तो ये तो कुछ है जो ये दो रास्ते हैं जहाँ से मैंने अच्छे खासे अर्न पैसे किए हैं, और इस तरह से आप भी कर सकते हो। अगर आपको इस एजेंसी में डिटेल में वीडियो चाहिए कि किस तरह से सेटअप करना है पूरा एजेंसी को, तो उसके लिए मैं वीडियो बना दूंगा। तो आई थिंक आपको ये समझ में आएगा कि आपको अपने कॉलेज में किस तरह से अपना पूरा का पूरा एक्सपेंस को पे करना है। तो टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप हसलिंग। टिल देन बाय।